लिखने के समय हाथ कांपना या हाथ में कपकपी आना या क्रैम्स आना, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति धन्यवाद महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास में आते रहते हैं कि उनको लिखने के समय हाथ कांपते और हाथ थर 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 करते इतना कि बिल्कुल लिख नहीं पाते। अकेले रहते तो थोड़ा कम रहता है, किसी के सामने तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उनको एंग्जाइटी हो जाती है। तो ये राइटर्स क्रैम्प में ये डायग्नोसिस आता है स्पेशली। और राइटर्स क्रैम्प क्या होता है कि भाई एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिस्टोनिया है, डिस्टोनिया स्पेसिफिक लोकल डिस्टोनिया, कि जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो ग्रिप इतनी पक्की हो जाती है लिखने के समय कि वो हाथ कांपना शुरू हो जाता है, इतनी ग्रिप पक्की हो, कभी कभी पेंसिल है टूट जाएंगी, इतना कड़क हो जाती ग्रिप। तो ये जो राइटर्स क्रैम है इसकी शुरुआत अप्रोक्सीमेटली 30 से 50 साल की उम्र में होती है और पुरुषों में ज्यादा प्रमाण है स्त्रियों से, महिलाओं से। इसका प्रमाण जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लोग 10 लाख लोगों में पाए गए। उसका एवरेज जो है वो है 7 से 70 अलग अलग स्टडीज में, मतलब 7 व्यक्तियों से 70 व्यक्तियों तक 10 लाख लोगों में पाया गया। तो फिर इसका इलाज क्या है? एक तो क्या है कि इसका इलाज सिंपल है कि भाई बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दे दो, और जब आप इंजेक्शन देते हैं मसल्स में तो 50% लोगों को फायदा होता है। तो दूसरा क्या इलाज है? दूसरा एक तो इलाज है कि हम रिलैक्स मसल करने के लिए फिर एंजियोलाइटिक्स देते हैं, हाथ कांपते हैं उसके लिए फिर प्रोप्रानोलॉल देते हैं या फिर बेंजोडाइजेपिन्स क्लोनाजेपाम जैसे देते हैं। तो ये इससे बहुत फर्क पड़ता है। वैसे फिर मैं उनको कुछ और बताता हूँ करने के लिए। एक तो मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ, और हिप्नोथेरेपी में आपका हाथ कैसे रिलैक्स हो रहा है, पूरा हाथ रिलैक्स हो रहा है और आप लिख रहे हैं, ऐसी कल्पना करना, ऐसा इमेजिनेशन करना, ऐसी तस्वीर बनाना, उसको एक्सपीरियंस करना कि अपना हाथ बहुत ही रिलैक्स है और आप लिख रहे हैं, ऐसी कल्पना करना, इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, हाथ पर बहुत ज़्यादा जोर रख के लिखना वो मना है, कि बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, हाथ रिलैक्स करो, फिर यहाँ से पूरा हाथ रिलैक्स करना चाहिए, वो हम सिखाते हैं उनको। नंबर तीन, ये जो एल्बो है मतलब यहाँ से, तो ये 90 डिग्री का रखो, 90 डिग्रीज, और यहाँ से पूरा हाथ जो है वो ढीला कर रहा और प्रैक्टिस करो, ऐसा बोलते हैं, पूरा हाथ ढीला करो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप रिलैक्स रखें उतना जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो फिर 90 डिग्री का एंगल करके पूरा हाथ रिलैक्स करना है। फिर बहुत लोगों को ये सिखाते हैं कि जो रिस्ट है यहाँ से आगे के फिंगर्स है वो पूरे रिलैक्स करो, और सिर्फ मूवमेंट ये रिस्ट से ही करना है, मतलब ऐसा हाथ रखना है टेबल के ऊपर, आप ऐसे ऐसे मूवमेंट, पूरा हाथ घुमाने का ही नहीं, वो प्रैक्टिस करो बोलते हैं। जैसे रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करना बार 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 बार, इमेजिनेशन करना, तस्वीर बनाना, फील करना, एंजियोलाइटिस लेना, फिर कुछ लोगों को आइस पैक रखना, आइस पैक रखो और सेको ठंडा ठंडा, तो उससे कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, या फिर गर्म गर्म सेकने से होते हैं, है ना, हीट पैक्स रखने से भी कॉन्ट्रैक्शंस कम होते हैं और हाथ कांपना कम हो जाता है। जो लोगों के सामने लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इतना कि बैंक में सही भी नहीं कर सकते, किसी के सामने लिख भी नहीं सकते, तो उनको मैं बताता हूँ कि आप हिप्नोथेरेपी में कल्पना करो कि आप लोगों के सामने हो और लिख रहे हैं, पूरा रिलैक्स है, कंप्लीटली रिलैक्स है, लोगों के सामने लिख रहे हैं, पूरा रिलैक्स, कल्पना करो और लिखो इमेजिनेशन में। और जब आप लिखते हैं तभी भी यही करना है कि पूरा हाथ रिलैक्स करना है और लिखना है। प्रैक्टिस भी अकेले बैठे तो हाथ ऐसा टेबल के ऊपर रखना है, पूरा यहाँ से एल्बो से टेबल के ऊपर रखना और प्रैक्टिस करना है रिलैक्सेशन। तो ये सब एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली लोगों को फायदा होता है। वैसे ये जेनेटिक है कि नहीं पता नहीं, मतलब अनुवंशिक है क्या, या फिर इसका कॉज क्या है एग्जैक्टली ये मालूम नहीं, स्पेसिफिक डिस्टोनिया है, स्पेसिफिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, इतना ही मालूम है इसके बारे में। ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, कि बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और उनको पता नहीं लगता है कि क्या ट्रीटमेंट लेना। मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ उसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, हमारे यहाँ लोग ऑडियो कॉल वीडियो कॉल से संपर्क करते हैं, इलाज करते हैं, लोग ऐसा इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं हमको बहुत फ़ायदा हुआ, भले 100% नहीं और काफ़ी फ़ायदा लोगों को होता है।
तो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।